को टू से डिवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बार बार हम डिस्कस कर चुके कि इक्वेशंस बैलेंस रहती हैं अगर आप इक्वेशन में मौजूद तमाम की तमाम टर्म्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लें, अलाउ है। हर टर्म को प्लस माइनस करना अलाउ नहीं है, लेकिन हर इंडिविजुअल टर्म को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना अलाउ है, उससे इक्वेशन का बैलेंस नहीं बिगड़ता। आप किसी भी इक्वेशन पर एक्सपेरिमेंट कर लें, आप एक सिंपल इक्वेशन बना लें 4+3=7, ये एक सिंपल इक्वेशन है, आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर लें, आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के देख लें, 8 से मल्टीप्लाई करवा के देख लें, 8 7 56 8 4 32 8 3 24 8 7 56, इनको ऐड करके देखें 56 ही आएगा। अच्छा, इसको आप 4 से डिवाइड करके देख लें, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करके देख लें, 4 8 32, 4 6 24, 4 1 4, 1 उधर कैरी चला गया, 6 16 हो गया, 4 4 16, 8+6 40 नहीं होता। तो आपको इक्वेशन में हर वो काम करना अलाउ है जिससे इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं, मगर प्लस माइनस नहीं कर सकते। कोई कहे कि इंडिविजुअल हर टर्म को आप 2 से प्लस करें, तो 4+2 क्या हो जाएगा, 3+2 क्या हो जाएगा, 7+2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन डिसबैलेंस हो गई, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर 2 को प्लस कराने का शौक है तो आप ये लिख सकते हैं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, यानी कि एक बार +2 इधर लिख दीजिए और एक बार +2 इधर लिख दीजिए, प्लस माइनस में ऐसे करना अलाउ होता है, राइट? मगर मल्टीप्लाई डिवाइड में आप इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं।